कृष्ण गोविंद भगवते ब्रह्म सुदासा रंग भानी मैया धरू तुम्हारो ध्यान दास की रखिए राज मामरी सभा में करिए हमारा काम हेगा तुम्हारा नाम लेने का तुम्हारा काम गिरते बधाम तो दो शब्द माँ के बारे में उसके बाद में कथा की तरफ लेके चल रही। अरे दिल में सूरत हो दिल में सूरत मैया की तस्वीर नगीना आ जाए Hey!
माता बहन बुजुर्गों छोटे छोटे बच्चों आपके समस्त के भगवान की कथा अथा है। जब शिव ने सती को कथा करासा साधन कराया है तो अमर कथा। अमर कथा क्या होती है कि एक शब्द श्रुति का मिलाप हमारे जो गोलू भैया है बाबा जानकी ये एक से एक रुपए सम्मान करते हैं कि भागवत मंच का भगवान मनोकामना पूर्ण करे धर्म की तरफ आते हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं कि आत्म कथा एक आत्मा और परमात्मा के एक भाव क्यों सती हृदय के अंदर समाई हुई एक जीव आत्मा है सेव सक्रिय परे है लेकिन भक्तों अमर कथा बनी होती है जो एक भाव एक विचार होता है जो आत्मा कहती है परमात्मा का। तो विचार करो आज शिव चरित्र सुनने के लिए सभी संत महात्मा बड़े बड़े देखने के लिए भक्तजन आते हैं और कैसे भगवान भोलेनाथ ने जब सती को रोका कि नहीं जगत पिता जगत माता उनका तुम उनकी परीक्षा चलने ले जाओ तो सती रुकी नहीं जब बात तो त्रिया हट इधर जाके देखा है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीता सबको देख करके लज्जित होके आ गई और जब आ गई तो भोले बाबा ने पूछा कि परीक्षा ले आए तो परीक्षा तो लेके आ गई मैं दंडवत करके आ गई झूठ बोली पति से और जब पति से झूठ बोली तो उसी समय भोले बाबा ने कहा जाओ तुम जगत माता का स्वरूप धारण करके गई हो तो आज समाज में तुम जगत ही माता हो गए समाधि लगा जाते हैं। बोले बाबा अब सती जी बड़ी परेशान होती है नंदी से कहने लगी नंदी अरे हमारे हृदय स्वामी को तू आंखें खुला दे अरे कोई ऐसा है घर नहीं जो हमारे हृदय स्वामी के नेत्र खुला दे। भोले बाबा समाधि बैठे तो कैसे बैठे समाधि में भोले बाबा हैं भोले बाबा समाधि में कैसे बैठे हैं देखो भोले बाबा समाधि पे बैठे हैं और सती जी हाथ जोड़ के विनती करती है अपने नेत्र आज भोले बाबा समाधि बैठे सती जी हाथ जोड़े और बैठ लिया कहा लगी प्राण ना अरे अपने नेत्र खोलो अरे नंदी तुम्हारे हृदय स्वामी को जगा दे लेकिन कैसे बनाए देंगे अरे
अरे तुम्हारी सूरत अमर सर भैया ये देखिए पिलौड़ी से आए हुए हैं और ये मन का सहयोग करके भागवत का सम्मान करके माँ भगवती कल्याण करे धन के भाव से भगवान बोले ना ऐसे रूखे ऐसे रूखे तो मानो जल के बन गए छूटी ना भी करे ना भी करे जब खड़े 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 काफी समय हो जाता है इधर जाके 1760 वर्ष तक जब खड़ी रही तो भोले बाबा ने जितने दिन समाधि लगाई उतने दिन समाधि जब पूर्ण हो जाती फिर अपने नेत्र खोले नेत्र खोल दिए हैं और खड़े हो जाते हैं कहने लगे सती जी तुमसे मैंने कहा था कि तुम जगत माता का रूप धारण करके गई है तो आज मेरे लिए जगती माता हो गई लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है मैंने जो प्रतिज्ञा की है मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई आप कुर्सी की जानते हैं सामने ही जानते हैं सामने तो मेरे प्रिय बंधु श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित इधर जाके आकाश से विमान जा रहे थे और विमान जा रहे थे तो उसी समय सती जी पूछने लगी भोले बाबा के पास में जाकर के सती जी बोली सती जी भोले बाबा के पास में जाके बोली और पूछने लगी प्राणनाथ जी बताओ ये विमान कहां के लिए जा रहे हैं ये विमान कहां के लिए जा रहे हैं तो भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष ने यज्ञ किया है और यज्ञ में जा रहे हैं पति जी कहने लगा हम भी जाएंगे अरे हम जाए पिताजी कहां भैया कहां मित्र कहां कोई ऐसी बात नहीं भोले बाबा कहने लगे निमंत्रण आया नहीं है क्यों ये इंद्र के यहां हमारा अपमान किया था मैं तभी से जाके बैर हुआ मेरा मैं नहीं जाऊंगा और पकड़ बुलाए तुम जाओ मदीना अपमान होगा अपमान होगा सती जी कहने लगी ना मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ पैर पकड़ दे सती जी भोले बाबा के पैर पकड़ रहे हैं और कहने लगी नहीं मैं तो जाऊंगी मना किया है लेकिन नहीं मानी भोले नाथ कहने लगे अगर नहीं मानती तो तुम चली जाओ जा 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 आरी हो लहर पलू पाल ले धरती ना है जब सती जी चली गई
और भोले बाबा बैठे हैं। अब उधर जब सखियों ने देखा जे बगैर बुलाए आए गए, जे बगैर बुलाए आए गए, बगैर बुलाए आए गए, हम तो जादू ने हम तो सखी को अपमान ये बर्दाश्त नहीं किया, तो उन्होंने जाके अपने प्राणों की आहुति हवन कुंड में जाके कूद करके और दे दी। और जैसे हवन कुंड में कूदी है यज्ञ का वचन सुना है और वहां मैं शादी करूंगी और तांडव नृत्य किया है भोले बाबा। दाईवान भुजा को मंथन करके एक जागे वीर भद्र नाम का गढ़ प्रकट किया है। इधर वीर भद्र को भेजा है, जाओ राजा दक्षिण आशीष काट कर के यज्ञ का विध्वंस करो। देखिए वीर भद्र जाता है और राजा दक्षिण का शीश काटा है, शीश काट के उसे हवन कुंड में चढ़ा दिया है और जला हुआ शीश एक बेहतरीन गंगा नदी थी उस गंगा नदी को पार करके फेंक दिया है। सती जी गए, सती जी ने अब दोबारा जाके भोले बाबा तक समाधि पे बैठ गए और सती जी दोबारा देखिए जन्म कह दिया है। आज सती जी ने जब दोबारा जन्म लिया है तो हिमाचलपुरी के राजाओं की तुम महात्मा का अपमान करके जा रही हो। उसी समय तीनों देवियां हाथ जोड़ करके बोली कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो सैंतादेव सिंह ने कहा जाओ आगे चल के तुम्हारा अवतार होगा, तुम्हारी कोख से जब देवियों का अवतार होगा तो भगवान के पैर पूजोगी तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक सुनेना बनी, एक मैना बनी, एक कीर्ति बनी है जो कनवज के राजा भालनंदन के यहाँ यज्ञ हुआ था, उसी यज्ञ के समय जन्म लिया था बिटिया। कीर्ति के कोख से राधा का जन्म हुआ है, सुनेना की कोख से सीता का जन्म हुआ, आज मैना की कोख से देखिए सती जी के जन्म लेते, इसीलिए कि वो दान होना था। अरे राजू अच्छा तो मेरे प्रिय बंधुओं इधर जाकर जैसे ही जब वो सती ने जन्म लिया है तो बड़ी खुशी छाए हुए हैं। इधर देवसी नारद बाबा पहुंच जाते हैं और जब राजा हिमाचल को देखा तो कहा आप बड़ी खुशी नजराते हैं, कौन सी खुशी की बात है। तो उसी समय बताया कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और बड़ी सुंदर लाड़ू है। ये नाता नूमरी की रे पानी पता है
जब कुछ बड़ी हुई है तो देवऋषि नारद बाबा ने बेबी का नाम पार्वती रखा है, इसका पार नहीं पाया था। इधर बिटिया जब राजा हेमंतर पूछने लगे कि हमारी बेटी की शादी, और यह भी बताएं कि शादी किसके साथ होगी और कैसे लक्षण होंगे, तो भक्तों उसी समय देवऋषि नारद कहने लगे कि सुनो, अगर आपने कहा है तो मैं बता रही हूं, और क्या जवाब दिया है। सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पकड़ लियो, तब सोच सोच के बिटिया को है बड़ी हुई। नारद ने कहा कि ये तपस्या करेगी, भक्ति करेगी, बेटी जब बड़ी हो जाती है तो एकांत में मड़ैया डाल के बैठ गई और कहने लगी क्यों भगवान भोलेनाथ की रटन लगाती है, अब मैं शादी करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ में जीवन भर में कुंवारी रहूंगी। बाल हट त्रिया हट,
सब रटन लगाई है अंत में जाके भोले बाबा अटल समाधि पे बैठे हैं और उधर जाके राजा हिमाचल पास में पहुंचे कहने लगे बेटी तो बिटिया ले जाके जब अन्नदान खान पी सब बंद कर दिया है नारस सारस ले जाके घबराने लगे हैं देव राज इंद्र बड़े भयभीत हुए हैं शेरजी में भगवान विष्णु कहने पता नहीं कौन सा ऐसा तप से त्यागी हो चुका है नारद बाबा कहने के बेटी तपस्या करती है बिटिया तपस्या कर रही है भोले बाबा के साथ में संबंध करने के लिए फिर क्या होना चाहिए बताओ राजा हिमाचल पास में पहुंचे कहने लगे बिटिया क्यों पागल हो गई हो बिटिया कहने लगी पिताजी क्यों पागल क्या कह रहे हो आप तेरी में शादी एक अच्छी जगह करूंगा और कोई ऐसी बात नहीं है का बोले है राजा हिमाचल लेकिन बिटिया हट पड़ी थी श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित बेटी कहने लगी नहीं तब तक जाके नारद बाबा भगवान प्रभु के पास गए हर जगह घूमते घूमते और कहा कि जब तक भोले की अटल समाधि नहीं खुलेगी तब तक बेटी अपनी तपस्या को नहीं छोड़ेगी और जब बेटी तपस्या से भोले बाबा और पार्वती का सहयोग नहीं होगा तब तक जाके तारक का भी उद्धार नहीं होगा क्यों वीरभद्र तारक बड़े बड़े पत्थर पर की देवता पर प्रहार कर रहे हैं भक्तों आज देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं को भेजते हैं और कहने लगे कि जाओ नाचने वाले जगई जाओ और भोले बाबा की तपस्या खिला दो जाके नृत्य गान करो जाके रंभा और वसी मेनका और सभी जाति नृत्य गान करती है देखिए किस प्रकार से नृत्य गान करते हैं भोले बाबा की समझ